हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजीज़। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2012 पे है। तो आज हम देखेंगे कि सर्वर जो है उसमें डीएनएस सर्वर कैसे इंस्टॉल होता है। तो हमारे पास एक सर्वर है 2012, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि सर्वर 2012 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो आज हमारे पास जो सर्वर है वो इंस्टॉल्ड है एंड आपके सामने जो है वो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में आपने क्या करना है, सबसे पहले ओपन कैसे होते हैं आप देख लीजिए। आपके इस स्टेटस टास्क बार पे आपके पास यहाँ पे सर्वर ओपन होगा, सर्वर मैनेजर। आप जाएंगे मैनेज में, मैनेज में जाके आपने क्या करना है, ऐड रोज एंड फीचर्स। जैसे आप ऐड रोज एंड फीचर्स करेंगे आपके पास एक ऑप्शंस आएगी कि बिफोर यू बिगिन, देन आपने इस चीज़ को नेक्स्ट कर देना है। दैट मीन्स कि आपका जो प्रोसीजर है वो शुरू हो गया है, आपने नेक्स्ट किया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन चाहिए या रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन चाहिए। मीन्स अगर आप चाहते हो कि इसी सर्वर के फीचर को इंस्टॉल किया जाए तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप रिमोटली कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो कि आपको पता है कि ये मेरा एक सेकेंडरी सर्वर है और एक प्राइमरी सर्वर है, तो विच मीन्स आप उसको रिमोटली आप सेटअप करोगे। तो मेरा कोई ऐसा प्राइमरी या सेकेंडरी सर्वर नहीं है, दिस इज़ माई द फ्रेश सर्वर। तो इस सर्वर को मैं इसी में ही इसी की फीचर्स को उठाऊंगा। तो मैंने पहला चूज़ किया, नेक्स्ट। अब आता है यहाँ पे कि आप सर्वर के पूल में से उठाना चाहते हो या कोई वर्चुअल हार्ड डिस्क है। वर्चुअल हार्ड डिस्क का मतलब क्या है कि अगर आपके पीसी में इसी में कोई वर्चुअल इंस्टॉलेशन हुई रखी है, आप उसमें से उस फीचर को उठाना चाहते हो, बट ऐसा हमने अभी तक नहीं किया। तो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आती है आप सर्वर पूल में से उठा रहे हो। तो जैसा हमने सर्वर पूल में से उठाया तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई कि हमारा सर्वर का नाम क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। फिर हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने से हमारे पास ऑप्शन आ गई जी डीएनएस सर्वर की। जैसे हमने डीएनएस सर्वर पे क्लिक किया हमारे पास आ गया जी रोल एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। ऐड फीचर्स किया, कंटिन्यू किया, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आता जी कि हमने इस सर्वर के रोल के कौन कौन से फीचर्स को करना है। बाय डिफॉल्ट आपकी मर्जी, क्योंकि डीएनएस सर्वर को ऐसे कोई फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप करना भी चाहते तो .NET फ्रेमवर्क आप कर सकते हैं, आप GPM कर सकते हैं, ग्रुप पॉलिसीज मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप IIS वेब सर्विसेज कर सकते हैं, बट आपकी चॉइस है कि आप कौन सा फीचर जो है इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्लियर जी? उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। फिर रीस्टार्ट का मतलब ये है कि जब आपकी इस पीसी की इंस्टॉलेशन हो जाए तो ये सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल किया और ये चीज़ इंस्टॉल हो रही है। वन बाय वन इसके जितने भी फीचर्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। कई बार क्या होता है कि जब हमारे सिस्टम में रैम कम होती है या फिर हार्ड डिस्क में स्पेस कम होती है या फिर हमारा प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता, तो कई बार इंस्टॉलेशन में हमेशा टाइम लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप सर्वर को इंस्टॉल करें तो कोई सेकेंडरी विंडो ना रखें, आप फ्रेश सिस्टम करें। और फ्रेश सिस्टम करने से आपकी जो रैम होती है वो फ्रेश हो जाती है और आप उसे इंस्टॉल कीजिए एंड यू कैन यूज़ इट। और आपकी मर्ज़ी है कि जब तक आप उसका यूज़ करना चाहते हैं सर्वर का यूज़ कीजिए एंड उसके बाद आप उसको रिमूव करके आप जेन्युइन विंडो भी डाल सकते हैं। तो सर्वर में एक क्वालिटी होती है कि हम ये सोचते हैं कि वाई विंडोज़ क्लाइंट
क्लाइंट जो होती हैं, जैसे विंडो क्लाइंट का मीनिंग क्या होता है, 7, 8, 10, ये सर्वर क्यों नहीं बन सकती? सर्वर ज़रूर बन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोर सर्वर नहीं बन सकती, ये नॉर्मल सर्वर्स बन सकती हैं, आपकी शेयरिंग करवा सकती हैं, आपके एक पीसी के दूसरे पीसी से शेयरिंग हो सकती है, बट एक सर्वर का जो रोल होता है वो क्लाइंट नहीं निभा सकता। सर्वर इज़ द मेंटेनेंस, सर्वर जो बनाया गया था वो मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था, क्लाइंट्स में इतनी मेंटेनेंस नहीं होती, और यही कारण है कि सर्वर जो होते हैं उनके अलग प्रोसेसर होते हैं, उनका अलग सीपीयू होता है, उनके अलग मेमोरी होते हैं, तो सब कुछ उनका अलग बेस्ड होता है, और वो इतने एफिशिएंट, इतने फास्ट होते हैं कि आप जब उनको रन करते हो, जब उन पे वर्क करते हो, वो आपको हेल्पफुल होते हैं। जो क्लाइंट मशीन है, क्लाइंट मशीन जो होती है वो आपकी 1 GB RAM में भी चल जाएगी, लेकिन जो सर्वर होता है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है, उसको थोड़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। और जितने भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सर्वर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन अच्छी होती है, और उनके जितने भी वेबसाइट्स हैं या होस्टिंग होती है वो अपने पर्सनल सर्वर्स में करते हैं। सो भी टाइम लग रहा है, हमारे पास इंस्टॉलेशन हो रही है, .NET फ्रेमवर्क हो चुका है, हमारे पास DNS चल रहा है। तो देखिए हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको क्लोज़ करना है, क्लोज़ करने के बाद इसको हमने करना है रीस्टार्ट। हम यहाँ पे गए, रीस्टार्ट के सर्वर को हमने रीस्टार्ट कर दिया। रीस्टार्ट करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमने इसमें अपडेशन की चेंजेस की हैं वो विंडोज़ जो है वो अपग्रेड कर लिया अपने लिए। कई बार क्या होता है कि आप इंस्टॉल तो ज़रूर कर लेते हो लेकिन वो मेंशन नहीं हो पाता कि वाकई में वो सर्विसेज ऑन है या नहीं, बट दिस टाइम आपको उसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे पहले वर्जन था वो था विंडो एनटी वर्कस्टेशन, जो काफ़ी सक्सेसफुल था आज से कपल ऑफ इयर्स बिफोर, काफ़ी अच्छा था, लोग उसे यूज़ भी करते थे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इट्स अ टेक्निकली, अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव को सेफ रखना चाहते हैं तो एक बार उसे विंडो 95 से फॉर्मेट कीजिए। तो हमने अपने अकाउंट को ओपन कर लिया और सक्सेसफुली हमारे पास जो DNS है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम जाएंगे अपने सर्वर मैनेजर में, हमारे पास सर्वर मैनेजर ओपन हो गया है। देख सकते हैं जी मैनेज में जाके, एंड एंड रोल्स में जाके, कि हमारा जो DNS सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। और इस तरह से आप अपने DNS सर्वर को इंस्टॉल करके खुद का DNS बना सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो थी वो उस DNS सर्वर इंस्टॉलेशन बेस्ड थी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को